ओम जी नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम आपको जड़ी बूटियों के विषय के बारे में कुछ बताएंगे। आज क्या हो रहा है कि हमें पता नहीं है कि किस तरह की जड़ी बूटियां, किस तरह की दवाइयां प्रयोग करें। आयुर्वेद का नाम इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी जड़ी बूटियां कैसे काम करती हैं। तो एक बार हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे इनके बारे में और दिखाएंगे। एक बार आप नज़दीक आ जाओ कैमरा लेके। जैसे देखो, ये है सफ़ेद मूसली। अब क्या कर रहे हैं, पंसारी हैं जो लूट के व्यापार चला रहे हैं, जिनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। ये है प्योर टी और ये देखिए नकली, जो आप बाज़ार से खरीद रहे हो ये भी नकली है और ये भी नकली है। ये है असली देसी घी जिसको बोलते हैं और ये है डालडा घी, बाज़ार का घी। तो एक बार इन चीज़ों को आप समझें। अब इसी तरीके से स्टावर देखो कितनी प्योरिटी है, रस की भरी हुई, और आप लाते हैं बिल्कुल सूखी, क्योंकि आप उन चीज़ों को समझते नहीं ना, आपको पता। वो जैसे हमें देते हैं हम वैसे ही ले आते हैं। ये देखो अश्वगंधा, प्योरिटी देखो इसकी। आप लाते हो सफ़ेद कलर का अश्वगंधा जिसके अंदर औषधीय गुण समाप्त हो चुके होते हैं। इसी तरीके से हमने जो भी जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं सारी बिल्कुल प्योरिटी तरीके से खरीद कर खुद की दिशा निर्देश में खरीद कर ली है। ये देखिए काला जीरी, नज़दीक लेके आओ, किस तरह से हीरे जैसी चमक आ रही है। आप लेके आ रहे हो काला जीरा। आज जो हमारे देश में जो गौ माता की जो हालत हो रही है उसमें भी पंसारी ऐसी घटिया दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। काला जीरा दे रहे हैं बिल्कुल घसा पिटा, ऐसी चीज़ अगर देंगे तो कौन सी बीमारी ठीक नहीं होगी। जब नकली चीज़ खाएंगे तो ऐसा इलाज होगा। यदि मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आपको असली चीज़ प्योरिटी चाहिए तो सही इंसान से खरीदे। अब हम इनकी दवाएँ तैयार करेंगे, न्यूट्रिशन पाउडर बनाएंगे, बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं की बीमारियों के लिए हजारों जड़ी बूटियों का प्रयोग करेंगे खुद खरीद कर खुद के सानिध्य में। तो आप इन चीज़ों को समझें और आयुर्वेद से जुड़े। धन्यवाद।